हाय एवरीवन, तो ये वीकेंड हम गए थे बीच। हम लोग गए थे सेंटोसा आइलैंड। हमने बुक की थी कैब। सेंटोसा आइलैंड पर पहुंचने पर एंट्री में आपको देनी पड़ती है एक्स्ट्रा फीस। तो इस बार की जो फीस थी ना वो थी $6, जो काफ़ी ज़्यादा थी। लास्ट टाइम हमने पे किए थे केवल $2। तो फीस पे करने के बाद जैसे ही हमने अंदर एंट्री ली तो हमें मिला ये क्यूट सा पिकॉक। बीच पहुँचते ही सबसे पहले हम गए चेंजिंग रूम, क्योंकि हम सबको करना था चेंज। चेंज करने के बाद हम सीधा गए बीच पर। वेदर काफ़ी ब्राइट और सनी था। हमें लग रहा था पानी नॉर्मल होगा, बट ऐसा नहीं था। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की, फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और मैं पानी के अंदर चली गई। और फिर पानी के अंदर जाने के बाद हमें पानी में से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और वैसे भी सॉल्ट वाटर बाथ बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। निश्चय कैसल बनाने में काफ़ी बिजी था, पर फाइनली मेरे बुलाने पर वो भी आया और उसने भी पानी में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और पानी में काफ़ी सारा इंजॉय करने बाद हम गए चेंजिंग रूम, जहां हम सब ने ली शॉवर। और एक बार फिर हम लोग चले गए बीच की ओर, जहां हमें खाने थे स्नैक्स जो हम घर से लाए थे। यहां का व्यू बहुत ही सुंदर था। यहां हमने खाए कुछ एप्पल और सारे स्नैक्स। और इसके बाद यू नो व्हाट क्या हुआ, हमें सरप्राइज विजिट देने आया ये क्यूट सा ऑटर। ये यहां पर अकेले ही था, और इसको देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये अपनी कुछ कलाकारी यहां पर कर रहा था। और देखते ही देखते तो ये बिल्कुल हमारे पास आ गया था। एक्चुअली इसने हमारे फूड की स्मेल कर ली थी, तो इसीलिए ये एकदम ही हमारी टेबल की तरफ आ गया, क्योंकि इसे हमारा जो बॉक्स था खाने का वो चाहिए था शायद। और इसीलिए हम फटाफट वहाँ से भागे, पर वहाँ पर ना कुछ बहुत सारे बैग्स रखे थे, तो ये सीधा उन बैग्स की तरफ गया और ढूंढने लगा कि शायद इसे कुछ खाने को वहाँ मिल जाए। पर इस बेचारे को वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला। पर आज मुझे एक बात पता चल गई कि ऑटर्स को बिल्कुल भी ह्यूमन से डर नहीं लगता। अगर आप ऑटर्स को देखे ना तो प्लीज़ वहाँ से हट जाओ, क्योंकि वो तो नहीं हटने वाले। और इस ऑटर को टाटा बाय बाय करने के बाद हमने एंजॉय किया ब्यूटीफुल सनसेट और बुक की अपनी कैब, जिससे हमें जाना था घर। एंड सरप्राइजिंगली इस बार जो कैब आई थी वो थी मर्सिडीज। वी एंजॉयड आवर राइड अलॉट। सो फ्रेंड्स, ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होना तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।